कौन उस संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है तारो। संकट मोचन हनुमान जी की जय। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपकी हर समस्या को दूर कर सकते हैं। मान्यता है कि मंगलवार को जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से बजरंग बलि की उपासना करता है उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। चलिए अब आपको उपाय बताते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने, धन लाभ और सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन कई उपायों का वर्णन किया गया है। हालांकि हनुमान जी की पूजा करते समय सावधानी भी बरतनी जरूरी है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन पूजा करने से मंगल दोष भी खत्म होता है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल भारी है विशेषकर उन्हें भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल कपड़े का दान करना काफी लाभदायक होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मंगल ग्रह उच्च स्थिति में चले जाते हैं जिससे धन लाभ के साथ ही मनुष्य के सारे काम बनने लगते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का सिंदूर से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन पान की बीड़ा नियम से चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से रोजगार के रास्ते खुलते हैं, साथ ही नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के अवसर भी बढ़ते हैं। इस दिन शाम के समय में केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से धन का लाभ मिलता है। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर राम नाम का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भक्त की हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। मन की शांति के लिए 5 लाल फूल किसी मिट्टी के पात्र में गेहूं के साथ रखकर घर की छत के पूर्वी कोने में मंगलवार को ढककर रखें और अगले मंगलवार तक उसे छुए नहीं। अगले मंगलवार को सारे गेहूं छत पर फैला दें और फूलों को घर के मंदिर में रख लें। आपके जीवन के सारे तनाव दूर होंगे और शांति आप खुद महसूस करेंगे। मंगलवार के दिन किसी देवी मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। 5 मंगलवार तक ऐसा करने से धन के मार्ग की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मान्यता है कि मंगलवार के उपाय करने से आर्थिक संकट के साथ साथ परिवार में खुशियां आती हैं और करियर भी लाइन पर आ जाता है। मंगलवार को अगर सुबह बड़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो इससे धन की आवक बढ़ती है, साथ ही आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।